हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। टेक्निकल की कई सारी क्लासेस होने के बाद अब सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए, तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए दोस्तों एक छोटी सी खुशखबरी है। छोटी नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो डिप्लोमा जो डिप्लोमा छात्र हैं उनके लिए, ठीक है। खुशखबरी ये है दोस्तों कि जो जल निगम है, जल निगम दोस्तों, जल निगम में जो भर्ती का टेंडर है जेई की, उसका टेंडर पास हो चुका है दोस्तों। और वो टेंडर दोस्तों टीसीएस को मिला है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी में जुट जाइए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो दोस्तों भारत के लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में है ओम बिरला साहब। ओम बिरला साहब दोस्तों राजस्थान के बूंदी से सांसद हैं। कहाँ से? राजस्थान के बूंदी, एक बूंदी वहाँ पे जिला है, वहाँ के सांसद हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब सांसद नहीं रहे, अब तो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों किन के बीच हुआ था, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये हुआ था मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था, बताइए। आप बता सकते हैं, बता देंगे आप, ऐसी बात नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के बीच, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की पीएम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपको सभी को पता होगा शेख हसीना मैडम है यहाँ की पीएम, ठीक है। यहाँ की अगर करेंसी की बात करूँ, करेंसी, तो यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? यहाँ की करेंसी है टका। क्या है? टका, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। यरूशलम की अगर बात करूं दोस्तों, तो यरूशलम कहाँ की है? इसराइल। कहाँ की है? इसराइल की कैपिटल है यरूशलम। पोर्ट लुइस दोस्तों मलेशिया की है, ठीक है। इस्लामाबाद दोस्तों कहाँ की है? पाकिस्तान की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य सूचना अधिकारी कौन है? तो दोस्तों सही आंसर बताइए इसका, शरद अरविंद बोबड़े, अरविंद सक्सेना, शक्तिकांत दास, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं, सही आंसर है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सुधीर भार्गव। कौन है? सुधीर भार्गव साहब। शरद अरविंद बोबड़े जी की अगर मैं बात करूँ, तो दोस्तों ये भारत के कौन है वर्तमान में? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। कौन है? मुख्य न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और चलिए, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए एग्जाम के लिए। हाँ, मैं शरद अरविंद बोबड़े जी की बता रहा, तो ये भारत के करंट में मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले दोस्तों रंजन गोगोई साहब थे। अरविंद सक्सेना साहब की बात करूं दोस्तों, तो ये यूपीएससी के चेयरमैन हैं, ठीक है। शक्तिकांत दास साहब की बात करूं, तो ये दोस्तों आरबीआई के करंट में गवर्नर हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आरबीआई, ये आरआरबी जेई में आया था, आरआरबी जेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन है कि भारत में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था दोस्तों? तो भारत में बुलंद दरवाजा दोस्तों अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अकबर ने क्यों बनवाया था दोस्तों? ये बनवाया था गुजरात विजय पर, गुजरात विजय पर दोस्तों अकबर ने बनवाया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अकबर दोस्तों मुगल शासक का, मुगल साम्राज्य का एक शासक है, ध्यान रखना। और बुलंद दरवाजा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाजा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश की संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो सही आंसर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था।
ये दोस्तों जो गुलाम वंश की स्टार्टिंग होती है दोस्तों, ये होती है दिल्ली सल्तनत। किससे? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत दोस्तों 1206 से लेके 1526 तक चलती है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और दिल्ली सल्तनत में दोस्तों 5 वंश आते हैं। पहला वंश होता है दोस्तों गुलाम वंश, कौन सा? गुलाम वंश। दूसरा वंश होता है दोस्तों खिलजी वंश, ध्यान रखना। तीसरा होता है दोस्तों तुगलक वंश, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। चौथा होता है दोस्तों सैयद वंश, कौन सा होता है? सैयद वंश, सैयद वंश। और पांचवा दोस्तों होता है वो होता है लोदी वंश, ठीक है, लोदी वंश। ये दोस्तों लोदी वंश 1526 तक रहता है बस। 1526 के बाद दोस्तों कौन सा युग आ जाता है? मुगल वंश। कौन सा वंश आ जाता है? मुगल वंश, बाबर वाला वंश आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। बाबर का दोस्तों 1526 में एक युद्ध होता है, बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच। आपको पता होगा क्योंकि लोदी वंश का जो संस्थापक था ना दोस्तों, था तो वो बहलोल लोदी, लेकिन लोदी वंश का अंतिम जो राजा था, अंतिम जो शासक था, थोड़ा टाइम लग जाएगा बताने में, ये मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा तो उसमें आपको क्लियर करूंगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पंजाब, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। वहां पे दोस्तों कांग्रेस की सरकार चल रही है, ध्यान रखना, पंजाब में, ठीक है। और रघुवर दास दोस्तों कहाँ के हैं? रघुवर दास दोस्तों कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के दोस्तों रघुवर दास नहीं रहे, अब भूपेश बघेल हैं, भूपेश बघेल, ठीक है, छत्तीसगढ़ के। विप्लव कुमार देव ये दोस्तों त्रिपुरा के हैं। कहाँ के हैं? त्रिपुरा के। और बी एस येदियुरप्पा ये दोस्तों कहाँ के हैं? कर्नाटक के, वर्तमान में बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, ठीक है ना। और असम की अगर मैं बात करूँ, असम, तो असम के दोस्तों कौन है? सर्वानंद सोनेवाल, सर्वानंद सोनवाल, ये असम के हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में दोस्तों अभी बहुत उथल पुथल हुआ था सरकार के चलते हुए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं भगत सिंह कोशियार, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आरिफ मोहम्मद खान ये दोस्तों कहाँ के हैं? ये दोस्तों केरल के वर्तमान अभी गवर्नर हैं। और बनवारी लाल पुरोहित की बात करूँ दोस्तों तो ये तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर हैं, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। नाइन्थ क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के लिए, तेजेंद्र पाल सिंह तूर किस खेल से संबंधित हैं? भारतीय खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों सही आंसर है शॉट पुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों मैरी कॉम ये तो सभी जानते होंगे, खैर मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि मैरी कॉम किस राज्य की रहने वाली है? तो दोस्तों मैरी कॉम किस राज्य की रहने वाली है बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसका आंसर नहीं बताता मैं आपको, ठीक है। 12th क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 26 जुलाई को दोस्तों भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है ना। और भारतीय रिजर्व बैंक का गठन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, और जो पहला मुख्यालय जो था इसका वो दोस्तों कहाँ खोला गया था? कोलकाता में, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर 1937 में दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ लाया गया? मुंबई। कहाँ लाया गया? मुंबई में। अगर दोस्तों कोई मुझसे बोलने में गलती हो जाए या कोई कंटेंट में गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, भारतीय वायुसेना का गठन कब हुआ था? तो भारतीय वायुसेना का गठन दोस्तों हुआ था कब? 8 अक्टूबर 1932 को। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था। भारतीय वायुसेना जो है दोस्तों उसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं भारतीय वायुसेना के, वो कौन है? आर के सिंह। क्या नाम उनका? आर के सिंह भदौरिया, ये भी याद करके चलिए, ठीक है ना, आर के सिंह भदौरिया वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम मुख्यालय कहाँ कहाँ था? तो दोस्तों कहाँ था प्रथम मुख्यालय? कोलकाता में, ठीक है। 16th क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों तो कंप्यूटर के जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज साहब को। राइट ब्रदर की अगर बात करूँ तो दोस्तों जो एरोप्लेन एरोप्लेन बनाने का जो वो था जहाज बनाने का, वो नहीं कहा था, राइट ब्रदर्स, हवाई जहाज, क्या बोलते हैं, हवाई जहाज,
हवाई जहाज किसने बनाया था सबसे पहले? राइट ब्रदर्स साहब ने बनाया था, यही फाउंडर हैं हवाई जहाज के। जॉन लेगी वियट दोस्तों, इन सही बात बोलूँ, इनका टेलीविज़न इन्होंने फाउंडर किया। टेलीविज़न के जन्मदाता कौन है? जॉन लेगी वियट। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आ जाते हैं एग्जाम में। वेल्स करियर साहब की अगर बात करूँ तो दोस्तों इन्होंने एयर कंडीशन बनाया, यानी कि AC, जिसमें गर्मी के मौसम में हम लोग चैन से रह पाते हैं। ऐसी बात नहीं है, चैन से गांव के लोग भी रहते हैं विदाउट AC। 17th क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था, सॉरी 1192 में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1192 AD, एडो डोमनी। ठीक है, अच्छा, ये द्वितीय युद्ध दोस्तों किस किस के बीच लड़ाया गया था? ये दोस्तों मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध भी इन्हीं के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी जीत जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है। ठीक है, 18th क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो नींव रखी थी, क्योंकि कुतुब मीनार की अगर बात करी जाए तो कुतुब मीनार में दोस्तों 5 मंजिलें हैं। ठीक है, कुतुब मीनार के अंदर 5 मंजिलें हैं, और दोस्तों कुतुब मीनार की अगर हाइट की बात करी जाए तो 273 मीटर कुतुब मीनार की हाइट है। ठीक है, और दोस्तों जो पहली जो मंजिल थी, इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था दोस्तों। ठीक है ना, और जो बाकी की चार जो ये है ना, पहले ऊपर वाली छोड़ के, इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और जो ऊपर का जो है दोस्तों वो कराया था फिरोज शाह तुगलक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक जो दोस्तों है वो उसने फिरोजाबाद जिला जो है, फिरोजाबाद उसका भी उसने निर्माण कराया था। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार दोस्तों लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? रशिया से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। नेक्स्ट वीडियो का दोस्तों इंतजार करिए। थैंक यू सो मच।